हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स पिछले क्लास में हम रिलेटिव वेलोसिटी का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं आज हम उसका कुछ अप्लीकेशंस बताएंगे तो आप लिखिए क्वेश्चन वन एक क्वेश्चन है आप लिखिए क्वेश्चन डिस्प्ले हम कर दे रहे हैं क्वेश्चन कह रहा है ए जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ फाइव हंड्रेड किलोमीटर पर आवर सोल्यूशन हम लिख रहे हैं यहाँ पर देखिए जेट प्लेन प्लेन का वेलोसिटी क्या बच्चों 500 किलोमीटर पर आवर एंड इजेक्ट इट्स प्रोडक्ट कंबर्सन एट ए स्पीड ऑफ विथ ए स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट प्लेन तो वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन है ये Velocity of product with respect to to jet plane is is equal to what? This is given 1500 km per hour. 1500 km per hour. Question पूछ रहा है इसमें what is the speed of the लेटर मतलब कि प्रोडक्ट जेट प्लेन है और प्रोडक्ट है लेटर कहने का मतलब प्रोडक्ट का वेलॉसिटी पूछ रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लेटर विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड ग्राउंड पर एक ऑब्जर्वर है वो वो देख रहा है प्रोडक्ट को वो वेलोसिटी कितना फाइंड आउट करेगा देखो बच्चों ये जेट प्लेन है मान लीजिए जेट प्लेन इधर जा रहा है तो इसका प्रोडक्ट क्या है प्रोडक्ट ऑफ कंबर्सन बाहर की ओर निकलेगा तो ये जेट प्लेन के डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लीजिए लेट द डायरेक्शन ऑफ लेट द डायरेक्शन ऑफ जेट प्लेन बी पॉजिटिव उसको पॉजिटिव हम मान लिए हैं पॉजिटिव है नहीं कुछ भी आप किसी भी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान सकते हैं आप फ्री हैं और उसी का आप यूज करेंगे टिल सोल्यूशन तो लेट द डायरेक्शन ऑफ द जेट ठीक है ओके okay? लेट द डायरेक्शन ऑफ जेट बी लेट द डायरेक्शन ऑफ जेट बी पॉजिटिव अब देखिए वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू जेट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट ये हमको पता है कल हम पूछ चुके हैं Velocity product hua hai velocity of product with respect to jet is equal to this one. अब diya hua में दिया हुआ 1500 km. लेकिन ये ध्यान में रखिएगा यदि जेट प्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लेन का प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट में होगा यदि जेट इधर जा रहा है तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा प्रोडक्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे क्योंकि जिस डायरेक्शन में जेट प्लेन जा रहा है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिख रहे हैं तो प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या होगा निगेटिव होगा तो यहाँ पर हमारा निगेटिव हो गया फिफ्टीन हंड्रेड व्हाट इज वेलासिटी ऑफ प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यदि कुछ भी नहीं है इसका मतलब ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं तो वेलॉसिटी ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस व्हाट इज वेलॉसिटी ऑफ जेट जेट का वेलॉसिटी इस डायरेक्शन में है इसको हम फाइव हंड्रेड किलोमीटर कह रहे हैं दिस इज फाइव हंड्रेड किलोमीटर पर आवर प्रोडक्ट का वेलोसिटी क्या था भाई ये 1500 किलोमीटर पर आवर था तो माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट जेट इज इक्वल टू फाइव हम लिखेंगे इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये 500 हंड्रेड माइनस फिफ्टीन हंड्रेड दिस इज इक्वल टू भी तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू वाट वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन ये फाइव हंड्रेड माइनस फिफ्टीन हंड्रेड दैट इज वन थाउजेंड माइनस वन थाउजेंड किलोमीटर पर आवर तो भी पी इज इक्वल टू वन थाउजेंड किलोमीटर पर आवर माइनस साइन क्या शो कर रहा है माइनस साइन शो कर रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द जेट जेट प्लेन ना ओके तो इस बात को आप लिख लीजिएगा निगेटिव साइन शोज दैट वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द जेट प्लेन ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्वेश्चन हम डिस्प्ले कर दे रहे हैं देखिए क्वेश्चन डिस्प्लेड हो गया सेकेंड क्वेश्चन देखिए देखो क्वेश्चन कह रहा है टू टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय ए रेगुलर रेगुलर बस सर्विसेज विथ ए बस दो टाउन है एक ए है और एक बी है यहाँ से रेगुलर इंटरवल पर बस निकल रहे हैं यहाँ से भी बस छूट रहा है और यहाँ से भी बस छूट रहा है मान लीजिए बस की वेलोसिटी भी है यही भी फाइंड आउट करना है क्वेश्चन पढ़िए टू टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाई रेगुलर बस सर्विस विथ ए बस लिविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट्स आइदर डायरेक्शन एक बस इधर जा रही है और एक बस इधर जा रही है और उनके बीच का टाइम इंटरवल क्या है हर एक टी कैपिटल टी सेकंड के बाद बस यहाँ से छूट रही है इधर से भी और इधर से भी 30 सेकंड के बाद इधर से भी बस छूट रही है और इधर से भी बस छूट रही है ओके टाइम इंटरवल टी लिखा हुआ है टी मिनट्स लिखा हुआ है सेकंड नहीं बल्कि मिनट्स लिखा हुआ है ए ए मैन स्पीड ऑफ ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर कोई आदमी ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर से चल रहा है किलोमीटर पर आवर एक आदमी है जो कि 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है किस डायरेक्शन में चल रहा है बच्चों एलोंग द फ्रॉम ए टू बी ए टू बी की ओर जा रहा है एक आदमी किस डायरेक्शन में चल रहा है बच्चों ए टू बी की ओर चल रहा है और वो क्या नोटिस कर रहा है किस स्पीड से जा रहा है ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर से इन द डायरेक्शन ए टू बी नोटिस इज दैट बस गोज पास्ट हिम इवरी एटीन मिनट इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन इस डायरेक्शन में जो बस जा रही है उसको हमेशा 18, हर एक मिनट पर एक बस क्रॉस कर दे रही है हर एक अठारह मिनट पर एक बस इधर से क्रॉस कर रही है और मिनट पर क्वेश्चन में कर रहा है, मिनट पर अपोजिट डायरेक्शन से बस क्रॉस कर रही है क्वेश्चन को बिल्कुल आप क्लियर हो जाना चाहिए थोड़ा फिगर हम बड़ा बना दे रहे हैं हमारे पास दो टाउन है ए और बी ए और बी इधर से बस चल रही है इधर से भी बस चल रही है हर एक तीस सेकेंड के बाद बस छूट रहे हैं एक साइकिल वाला है वो किस स्पीड से चल रहा है भाई ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर से ये क्या नोटिस कर रहा है कि जो ए से बी साइकिल वाला ए से बी की ओर जा रहा है कि ए से बी तक ए से बी की ओर जो बस जा रही है हर एक अट्ठारह मिनट के बाद एक बस क्रॉस कर रही है और जो अपोजिट डायरेक्शन में बस जा रही है वो हर एक सिक्स मिनट पर साइकिल वाले को क्रॉस कर रही है तो हमको वेलोसिटी निकालना है वेलोसिटी बस निकालना है एंड टाइम इंटरवल निकालना है ओके वेलोसिटी ऑफ बस एंड टाइम इंटरवल निकालना है व्हाट इज पीरियड कैपिटल टी ऑफ द बस सर्विस विथ विच व्हाट स्पीड डू द बसेस प्लाई ऑन द रोड तो अब सुनो देखो बच्चों यहां से दो बस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा भी इंटू टी होगा क्योंकि हर एक टी सेकंड के बाद बस यहां से चल रही है और किस वेलोसिटी से चल रही है वेलोसिटी से तो दो दो बस के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया इंटू टी और यहां पर साइकिल वाला क्या नोटिस कर रहा है <coughs> वेलोसिटी ऑफ बस रिस्पेक्ट टू साइकिल ये कितना हो जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो उसको भी माइनस लिखेंगे वेलॉस्टी ऑफ बस आप लिखिएगा वेलॉस्टी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट BBC. कितने मिनट में क्रॉस कर रहा है 18 मिनट में क्रॉस कर रहा है तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम यहां पर भी डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम दिस इज द द डिस्टेंस बिटवीन टू बस दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बस दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बसेस तो ये दो ये तो सेम रहेगा ना दो बस के बीच का डिस्टेंस तो सेम रहेगा चाहे साइकिलिस्ट नोटिस करे चाहे कोई भी नोटिस करे डिस्टेंस तो चेंज नहीं होने वाला है तो इसको आप भी टी को लिखेंगे माइनस भीसी इन टू भी भी एन तो भी टी इज इक्वल टू भी, बी, भी बी क्या है देखो इस डायरेक्शन को आप प्लस मान लीजिए तो भी बी क्या हो गया भीबी क्या है वेलोसिटी या बस ये प्लस आप मानेंगे भी सी, उसी सेम डायरेक्शन में है ये ट्वेंटी है आपका साइक्लिस्ट का सी क्या है साइक्लिस्ट है B, B क्या है बस की वेलोसिटी है सी किसकी है साइक्लिस्ट की वेलोसिटी है तो दिस इज इक्वेशन हम बना लिए नेक्स्ट में देखिए जब ये अपोजिट डायरेक्शन के लिए ऑल्सो यहां पर भी तो दो बस के बीच का डिस्टेंस वही होगा भी इंटू टी नाउ वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट इंटू टाइम कितना लग रहा है सिक्स मिनट लग रहा है तो दिसवल टू नाउ वन सेकेंड दिस भी माइनस भी सी इन टू सिक्स अब यहां पर देखो बच्चों टू भी, टी भी बी, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है वैसे भी आप जानते हैं यदि दो कोई भी दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो वेलोसिटी को हम सम कर देते हैं तो यहां पर देखिए वीवी क्या है ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है चूंकि इस डायरेक्शन को हम प्लस माने हुए हैं तो इस डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे निगेटिव मानेंगे ये निगेटिव हो गया वेलोसिटी क्या है सॉरी ये निगेटिव हो गया किस वेलोसिटी से भी वेलोसिटी से साइक्लिस्ट की वेलोसिटी क्या है साइक्लिस्ट की वेलोसिटी तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव माने हुए हैं तो माइनस साइक्लिस्ट की वेलोसिटी 20 है तो दिस साइकिल साइन भी प्लस ट्वेंटी इंटू सिक्स चूंकि डिस्टेंस जब हम मेजर कर रहे हैं तो डिस्टेंस में तो पॉजिटिव और निगेटिव की कोई बात नहीं है इसलिए हम क्या लिख सकते हैं इसलिए हम लिख सकते हैं भी टी इज इक्वल टू भी प्लस ट्वेंटी इंटू सिक्स नाउ दिस इज इक्वेशन सेकेंड ओके नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है और राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा बच्चों राइट हैंड साइड भी माइनस ट्वेंटी इंटू एटीन और यह क्या था भी प्लस ट्वेंटी इंटू सिक्स इसको आप सॉल्व कर दीजिए थ्री टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो भी माइनस ट्वेंटी भी माइनस भी माइनस ट्वेंटी थ्री टाइम कैंसिल आउट हो गया इज इक्वल टू भी प्लस ट्वेंटी ओके नाउ दिस थ्री भी माइनस सिक्सटी इज इक्वल टू भी प्लस ट्वेंटी इसको सॉल्व कर देंगे तो ये टू भी इज इक्वल टू एट्टी तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ भी इज इक्वल टू फोर्टी किलोमीटर पर आवर बस किस स्पीड से चल रहे हैं बच्चों ट्वेंटी फोर्टी किलोमीटर पर आवर से बस चल रहे हैं अब ये वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए टी की वैल्यू आपको पता है इन इक्वेशन वन या टू किसी में पुटअप कर दीजिए हेंस पुटिंग द वैल्यू ऑफ भी इन टू हेंस फ्रॉम टू टू में वैल्यू पुटअप करिए भी कितना आया है फोर्टी आया है टी कितना आ गया टी पूछ रहा है भी कितना है फोर्टी है और ट्वेंटी है सिक्सटी हो गया इंटू सिक्स हो गया तो t इज इक्वल टू सिक्स इंटू सिक्स अपन फोर्टी कैंसिल आउट हो गया तो t इज इक्वल टू इसको आप सॉल्व कर दीजिए सॉल्व करने के बाद कितना बचेगा थर्टी सिक्स अपॉन फोर यानी नाइन मिनट्स ये t मिनट्स में था शुरू में ही दिया हुआ था कि t मिनट्स में है तो तो ये नाइन मिनट्स आ गया ओके इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लिए देखिए डिस्प्ले हमने कर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है टू रेल्स क्वेश्चन दिया हुआ है टू पैरल रेल्स ट्रैक रन नॉर्थ टू साउथ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चल रहा है हम देखो बच्चों ये इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं इसको आप साउथ मान लीजिए इसको नॉर्थ मान लीजिए ये पैरेलल ट्रैक्स है साउथ नॉर्थ अब फैन चला दीजिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है क्वेश्चन कह रहा है ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विथ ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर ट्रेन ए यहाँ पर ट्रेन ए नॉर्थ की ओर जा रहा है किस स्पीड से 54 किलोमीटर पर आवर से 54 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन जा रहा है टुअर्ड्स नॉर्थ एंड ट्रेन बी मूव्स विथ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन ट्रेन बी मूव्स विथ ट्रेन बी मूव्स साउथ विथ स्पीड ऑफ ट्रेन बी साउथ की ओर जा रहा है किस स्पीड से किलोमीटर पर आवर से स्पीड से जा रहा है पहले इस बात को आप समझ लीजिए अब यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले तो ये किलोमीटर पर आवर है तो इसको आप चेंज कर दीजिए भी ए इज इक्वल टू फिफ्टी किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर तो इक्वल टू फिफ्टी फोर किलोमीटर पर सेकेंड चेंज करने में फाइव बाई एटीन हम लिखेंगे तो फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड हो गया नाउ भी, भी कितना हो गया भी, भी है नाइन्टी तो फाइव बाई एटीन हम लिखेंगे तो ये ये फाइव टाइम्स कैंसिल आउट हो गया ये तो 25 मीटर पर सेकंड हो गया तो ये 15 मीटर पर सेकंड हो गया है मीटर पर सेकंड में आप चेंज करेंगे तो और भी, भी कितना हो गया 25 मीटर पर सेकंड हो गया ओके okay? इसको आप नोट कर लेंगे अब सुनिए देखिए किसी एक डायरेक्शन को आप प्लस मान लीजिए लेट द डायरेक्शन लेट द वेलॉस्टी अलोंग या वेलॉस्टी टुवॉर्ड्स नॉर्थ लेट द वेलॉस्टी टुवॉर्ड्स नॉर्थ बी पॉजिटिव नॉर्थ वाले वेलॉस्टी को आप प्लस मान के चलिए ठीक है अब क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन को जरा आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है, is, पहला question, ऐसे ही लिखते है हम कई आपको बता चुके हैं तो दिस इज इक्वल टू आप हर एक लेक्चर को अच्छे से देखिए हम लिख दे रहे हैं पूरा चलिए वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू दैट इज भी ऐसे हम डिनोट करेंगे इसको दिस इज इक्वल टू भी माइनस भी ए यह पूछ रहा है भीबीए भी क्या है देखो बच्चों भीवी साउथ की ओर है तो साउथ की ओर है तो इसको हम माइनस लिखेंगे क्योंकि नॉर्थ को हम प्लस लिख रहे हैं और ये वैल्यू कितना है? 25 आया है ट्वेंटी फाइव आया है मीटर पर सेकेंड में हम चेंज किए थे अभी आप लिखे दे, देखे थे भी ए क्या है फिफ्टीन किलो फिफ्टीन आया था फिफ्टीन आया था और चूंकि ये नॉर्थ की ओर है तो इसको हम प्लस लिखेंगे तो फिफ्टीन तो भीबीए कितना हो गया बच्चों वी बी इज इक्वल टू दिस माइनस फोर्टी किलोमीटर पर आवर तो दिस वी बी इज इक्वल टू फोर्टी किलोमीटर पर आवर निगेटिव का मतलब टूवर्ड्स साउथ टूआर्ड साउथ साउथ इसका मतलब वेलोसिटी या बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या है भाई ए में यदि बैठ जाए यदि आप ए में बैठ करके बी की वेलोसिटी को देखेंगे तो बी किधर जा रहा है साउथ की ओर जा रहा है किस स्पीड से जा रहा है फोर्टी किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है

तो हम माइनस लिखेंगे माइनस ये ट्वेंटी फाइव आया था इसको सॉल्व कर रहे थे तो ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड आ गया था और इसको सॉल्व किए थे तो ये फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड आया था तो ये हो गया तो भी जी बी इज इक्वल टू तो वाइनस माइनस प्लस हो गया ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी यदि बी में बैठ के यदि आप ग्राउंड को देखेंगे तो ग्राउंड किधर भागता हुआ लगेगा ये प्लस का मतलब टूवर्ड्स साउथ सॉरी टुआर्ड्स नॉर्थ ट नॉर्थ तो ऐसे ट्रेन में जो कि साउथ की ओर जा रही है 25 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और उसमें बैठ करके आप ग्राउंड को देखेंगे तो ग्राउंड 25 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ की ओर जाते हुए प्रतीत होगा अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए प्रतीत होगा यदि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं ट्रेन 25 मीटर पर सेकेंड से चल रही है तो ग्राउंड किस स्पीड से चलेगा भाई ट्वेंटी मीटर से पर सेकेंड से ही चलेगा इन अपोजिट डायरेक्शन ओके नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है देखो बच्चों इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं या चलो देखो क्वेश्चन कह रहा है थर्ड वेलोसिटी ऑफ ए मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ए ट्रेन ए अगेंस्ट द मोशन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए देखो ट्रेन ए पर ही एक मंकी चल रहा है एक मंकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगा ट्रेन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया है किस स्पीड से 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको चेंज कर देंगे तो 5 मीटर पर सेकंड है मंकी किस स्पीड में चल रहा है भाई 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए ये दे दिया है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट मोशन With a velocity with respect to train A, as observed by a man standing on the ground. question dekhiye question mein likha hai velocity of monkey running on the roof of the train against its motion, as observed by a man standing on the ground. ये पूछ रहा है क्वेश्चन आपको. तो आप देखो बच्चों velocity of monkey with respect to A, ये चीज दिया हुआ है five meter per second. एंड दिस इज इक्वल टू वेलॉसिटी ऑफ मंग की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलॉसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जब यहाँ कुछ भी हम नहीं लिख रहे हैं इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ना वो वेलॉसिटी ऑफ मंग की विथ रिस्पेक्ट टू ये क्या हो गया चूंकि अब साउथ डायरेक्शन में चल रहा है तो हम माइनस लिखेंगे क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन को हम प्लस लिखे हुए थे ना वो वेलासिटी ऑफ मंग की ये पूछ रहा है वेलॉसिटी ऑफ ए साउथ डायरेक्शन में एक ट्रेन ए चल रही है इसका स्पीड क्या है फिफ्टीन है तो दिस इंप्लाइज ये इसको इस साइड में भेज देंगे इस साइड में भेज देंगे तो 15 माइनस फाइव इज इक्वल टू टेन मीटर पर सेकेंड दिसम नाउ वेलोसिटी ऑफ मंकी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज टेन मीटर पर सेकेंड टेन मीटर पर सेकेंड अब प्लस साइन क्या शो कर, uh, कर रहा है कि मंकी किधर भाग रहा है भाई टुआर्ड्स नॉर्थ टुआर्ड्स नॉर्थ भाई मंकी आप देखेंगे ट्रेन के रेस्पेक्ट में तो साउथ में है लेकिन हम चूंकि ट्रेन चुकी ट्रेन ही नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है तो मंकी भी नॉर्थ डायरेक्शन में ही चलेगा ओके okay? तो दिस क्वेश्चन तीन क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करा दिए एक क्वेश्चन और लिख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी इसको ध्यान से समझिए देखिए क्वेश्चन हम डिस्प्ले कर दे रहे हैं क्वेश्चन हम डिस्प्ले कर दे रहे हैं थर्ड फोर्थ क्वेश्चन आप देखिए तीन क्वेश्चन हम ऑलरेडी बता चुके ना ये फोर्थ क्वेश्चन आप देखिए फोर्थ क्वेश्चन आप देखिए क्वेश्चन डिस्प्लेड है आप देखिए इन हार्बर विंड इज ब्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट इन कोल्ड इन द हार्बर फ्लटर्स अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इफ द बोट स्टार्टस ब्लोइंग सॉरी इफ द बोट स्टार्टस मूविंग एट ए स्पीड ऑफ फिफ्टी वन किलोमीटर पर आवर्स टुअर्ड्स नॉर्थ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट ओके तो आपको ध्यान में देना है देखिए यहाँ पर देखो बच्चों खूब अच्छे ढंग से देख लीजिए ये हमारा क्या होता है ईस्ट होता है बच्चों ये वेस्ट होता है ये नॉर्थ होता है ये साउथ होता है हवा किस डायरेक्शन में चल रही है फ्लैग किस डायरेक्शन में फिल्टर कर रहा है सिंस द फ्लैग इज फ्ल्टरिंग एलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तो जब फ्लैग हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लटर्स कर रहा है इसका मतलब विंड भी हमको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है किस स्पीड से दिया हुआ है स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर दिस इज गिवन 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से विंड इज ब्लोइंग ओके अब उसके बाद क्या हुआ ये बोट हमारा नॉर्थ की ओर मूव करना शुरू किया जब ये बोट पर यह फ्लैग रखा हुआ था तो ये किस डायरेक्शन में फ्लटर कर रहा है भाई 72 किलोमीटर पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से फ्लटर्स कर रहा है अलॉन्ग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जब ये बोट स्थिर था तब अब क्या हुआ भाई कि बोट नॉर्थ नौ, डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया विथ ए स्पीड ऑफ फिफ्टी किलोमीटर पर आवर विथ ए स्पीड ऑफ फिफ्टी किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में जाना शुरू किया कौन बोट इज वेलोसिटी ऑफ बोट किस डायरेक्शन में जाने लगा 51 किलोमीटर पर आवर तो अब हमको विंड की वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोस्टी आप, वेलोस्टी आप boat, ये हमको पता करना है एंड दिस विल ऑफ विंड माइनस वेलॉसिटी ऑफ बोट और ये जानने के लिए कल हम बताए थे ये प्लस माइनस भी, भी हम कर देते हैं

ये जो रिजल्टेंट है नॉर्थ ईस्ट से फाइव एंगल बना रहा है या बीटा एंगल बना रहा है यह फोर्टी फाइव डिग्री है यह फोर्टी फाइव डिग्री नॉर्थ ईस्ट कहने का मतलब यह फोर्टी फाइव डिग्री हो गया अब देखो बच्चों हम आपको बताए हुए थे हम आपको सिखाए हुए हैं कि टेन ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं देखो बीटा किस से एंगल बना है भी डब्ल्यू से तो हम भी डब्ल्यू को छोड़ करके दूसरा वाला साइड लेते हैं माइनस भी, भी कई बार हम इसी चीज को बता रहे हैं साइन ऑफ भी और भी और भी के बीच में एंगल ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस फोर्टी फाइव अपान जिससे एंगल बन रहा है दैट इज भी जिससे एंगल नहीं बन रहा है माइनस भी बी कॉस नाइन्टी प्लस फोर्टी हम ट्रेंगुलर ला जब पढ़ाए हुए हैं उस समय बहुत अच्छे ढंग से इसको समझाए हुए हैं आप वहां से समझ लीजिए कि कैसे हम एंगल लेते हैं टेन ऑफ बीटा इज इक्वल टू वाट टेन ऑफ बीटा देखिये फिफ्टी वन माइनस का यहां पर कोई यहां मैग्निट्यूड लेना होता है इसलिए माइनस का कोई यहाँ पर मीनिंग नहीं है फिफ्टी वन साइन नाइनटी प्लस इज इक्वल टू कॉस थीटा यानी कॉस फोर्टी फाइव डिग्री अपॉन वट इज वेलास्टी ऑफ विंड दिस इज सेवेंटी टू प्लस यहां पर वन सेकेंड ये फिफ्टी वन कॉस नाइन्टी प्लस थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा इसलिए हम माइनस यहाँ पर रख देंगे, हटा लेंगे साइन 45 डिग्री ओके okay? इसको हम नोट कर लेंगे <coughs> हम इसको मिटा दे रहे हैं टेन ऑफ बीटा इज इक्वल टू फिफ्टी वन कॉस फोर्टी फाइव का मतलब वन बाई रूट टू और ये सेवेंटी टू हो गया माइनस फिफ्टी वन यहाँ पर साइन 45 फाइव वन सेगन वन बाई रूट टू इसको सॉल्व कर लीजिए टेन ऑफ बीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ बीटा इज इक्वल टू इसको आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आती है देखिए रूट टू कैंसिल आउट हो गया 51 वन अपान सेवेंटी टू रूट टू माइनस फिफ्टी वन टेन बीटा इज इक्वल टू इसको सॉल्व करो बच्चों तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जा रही है सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यू आ रही है हम लिख दे रहे हैं 1.0035 पॉइंट जीरो जीरो वन पॉइंट अब इसकी वैल्यू हम देखेंगे नेचुरल टेंजेंट में हम नेचुरल टेंजेंट को भी डिस्प्ले कर दे रहे हैं यहां पर नेचुरल टेंजेंट को हम डिस्प्ले कर दे रहे हैं तो नेचुरल टेंजेंट में वैल्यू आप देखेंगे तो बीटा की वैल्यू आ रही है 45 डिग्री वन मिनट ये आ रहा है तो इसका मतलब कि जो रिजल्टेंट है 45 डिग्री कहने का मतलब 1 डिग्री तो अप्रॉक्सीमेटली हम यदि हम बात करते हैं 45 फोर्टी फाइव पॉइंट डिग्री ये आता है 45.1 डिग्री आता है 45.1 डिग्री आ रहा है नेचुरल टेंजेंट अभी हम तुरंत डिस्प्ले कर देंगे आप देख लीजिएगा 45.1 डिग्री तो आप देख रही है पॉइंट डिग्री तो ये बहुत छोटा है तो ऑलमोस्ट वेलॉस्टी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट ये इस डायरेक्शन में प्रतीत होगा ये वन डिग्री को यदि आप नेग्लेक्ट करेंगे तब नेग्लेक्ट कर सकते हैं पॉइंट वन डिग्री को तो इस ढंग से होगा क्योंकि विंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ब्लो कर रहा है लेकिन बोट यदि नॉर्थ डायरेक्शन में फिफ्टी वन किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलना शुरू किए किया तो वही विंड हमको ईस्ट डायरेक्शन में अप्रोक्सिमेटली ब्लो करता हुआ प्रतीत होगा आप ये वैल्यू देखने के लिए वन आप नेचुरल टेंजेंट हम डिस्प्ले कर रहे हैं आप इसको देख लीजिए नेचुरल टेंजेंट हम कैसे निकालते हैं वैल्यू ओके okay? कुछ क्वेश्चन आप लिख लेंगे ये क्वेश्चन आप डिस्प्ले हम कर दे रहे हैं क्वेश्चन डिस्प्ले कर दे रहे हैं इसको आप नोट कर लीजिएगा ओके थैंक यू